ये हमने सरफे सगीर पढ़ ली, इसको कहते हैं सरफे सगीर, क्यों कहते हैं वो भी बता दिया था। ठीक है, सरफ कहते हैं शार्ट को, तशरीफ फेर रहे हैं कि रूट लेटर से लेके उसको घुमाई जा रहे हैं। तो सरफे कबीर कौन सी है, सबका अपना अपना चार्ट है, नसरा का अपना चार्ट है, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुमना नसरतु नसरना। चौदह सी गई, अंसुर का अपना चार्ट है, नासिरुन का अपना चार्ट है, नुसरा युनसरू मंसूर सबके अपने अपने चार्ट हैं। इसका भी उनसुर उनसुरा उनसुरू उनसुरी उनसुरा उनसुरना, लाद अंसुर लाद अंसुरा लाद अंसुरू लाद अंसुरी लाद अंसुरा लाद अंसुरना लाद अंसुरना। तो ये सबको खोल दें आप, वो सरफे कबीर बन जाएगी। तो ये सबको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया हमने सरफे सही। ये हमारा पहला बाब है नसरा यंसुरू। दूसरा बाब कौन सा है, फतह यफ्ताहू। अब वो आपने मुझे सुनानी है सारी, फतह एक एक करके। हाँ जी, फतह यफ्ताहू ये मजहूल अलमरु मिनहु इफ्ताह खोलो इफ्ताह तफ्ताह लिख दूं। सुनाइए आप भी फताह यफ्ताह से, मैं सारी लिखूंगा आप सुनाएं भी साथ साथ। फताह यफ्ताह वन नहयू हाँ जी जी, मैं जान के पढ़वा रहा हूँ आपसे ताकि आपको भी पता चले, आपको पहले ही आती है ना, उसी वजन पर लेकर आना है सारा कुछ, लिखते जाएं साथ साथ। अब ये आपको लिखवाई थी, मैंने कहा था लाइन सिर्फ नीचे छोड़ दें, पूरा कर दें उसको सबको। अलमरु मिनहु इफ्ताह खोलो, वो नहयु ना खोलो, ला तफ्ताह। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा बाब हो गया। अब देखें जरा, अगर मैं पूछूं कि फातह क्या है तो उसका जवाब क्या है, ग्रामेटिकली फातह, मैंने ये नहीं पूछा मतलब क्या है, तर्जमा क्या है, ये है क्या, फिले माजी है। हाँ, यफ्ताहू क्या है, फिले मुजारे है, फतहन मसदर है, मतलब क्या है इसका, खोलना, काम का नाम है। वो जो हमने कलेमा की डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, करने के, ये करने के काम है सारे, नसरन फतहन कतलन। ठीक है, तो फतह माजी, उसने खोला था, यफ्ताहू फिले मुजारे, वो खोलता है, फतहन इसको कहते हैं मसदर, मसदर लिखा था ना पहले भी नोट। yes, हाँ जी, मीम सवाल से। और फातेहुन इसम फाइल, खोलने वाला, फाते खोलने वाला, फतह करने वाला, फतह करने के माने में भी आता है ना लफ्ज़ ये। फुतिहा फेले माजी मजहूल, मजहूल कौन है इसमें, अननोन कौन है, फाइल डूर का नहीं पता होता, वो खोला गया, फुतिहल बाबू दरवाजा खोला गया, खोलने वाले का तस्करा नहीं है। यफ्ताहू फेले मुजारे मजहूल, उसी के आगे बस मजहूल लगा दें, फेले मुजारे मजहूल, यफ्ताहुल बाबू दरवाजा खोला जाता है, फतहन खोलना, और जो खोला गया उसको कहते हैं मफ्तूहुन, खुला हुआ। ठीक हो गया, उसने खोला वो खोलता है, खोलना खोलने वाला, जिसने खोल फतह उसने खोला,
یفتحو وہ تو کھولنے والے کو کہتے ہیں فاتح, وہ کھولا گیا وہ کھولا جاتا ہے, جس کو کھولا گیا اس کو کہتے ہیں مفتوحن. یہ لائن سمجھ میں آ رہی ہے اس ترتیب سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. الامر منہ افتح, امر بنتا ہے منہ اس سے افتح کھولو, والنہی اور نہیں بنتا ہے, نہیں کہتے روکنے کو, اور نہیں بنتی ہے اس سے عنہ لا تفتح نہ کھولو. ٹھیک ہو گیا. کتنے باب ہو گئے؟ دو باب ہو گئے, کریں کمپلیٹ اس کو آگے. اب میں امر نہیں لکھتا جاتا ہوں, باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں جی, تیسرا باب کون سا تھا؟ بلکہ یہ سنایا نہیں ابھی, کس کا رہ گیا تھا؟ فتح یفتح, دونوں سنایا. سناؤ. ماشاء اللہ. جی, ہاں جی, سنا دی تھا آپ نے. دوسرا باب, فتح نصر ینصر, فتح یفتح ضرب یضرب. سنائے کیا لکھوں پہلے؟ سنائے پھر. پہلے تو آپ کو سنا ہوں میں سارے, دو دو لائنیں تو پہلے بھی سنی ہیں سب سے. یہاں یضرب تھا نا, تو الامر منہ اضرب, نہی عنہ لا تضرب. ہاں جی, ضرب یضرب. ماشاء اللہ, مطلب سب کا بتاؤ نا جی. اضرب مارو, لا تضرب, لا تضرب نہ مارو. جی, ضرب یضرب. ماشاء اللہ. جی, ہاں جی, نصر ینصر فتح یفتح ضرب یضرب, یہ تین فعلہ والے ہو گئے. پھر سمیع یسمع, سنائے. اسمع, سمیع یسمع, تو اسمع. ایسے اسمع, سنو, لا تسمع نہ سنو. ہاں جی, سنائے. تسمع. جی, ماشاء اللہ. آگے حسیبا یا حسیب, سنائے. تو یہ زبر ہی پیش ہو تو حمزہ پر پیش آئے گی, ورنہ زیر ہی آئے گی. وہ تو ماضی میں سامیا, یہی بول رہے ہیں آپ. یس, مضارع سے بناتے ہیں. امر نہیں, کسے بنایا تھا؟ حکم دیتے ہیں تو ماضی میں تو نہیں دیتے, مضارع میں دیتے ہیں اور مخاطب کو دیتے ہیں. تو سیکنڈ پرسن مخاطب کے سیگوں سے بنتا ہے اور آبویسلی مضارع سے بنتا ہے. آگے یاد؟ جی, سب نے سنا دیا. آگے حسیبا یا حسیب, 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 حسیبا یا
تحسب جی آگے نہیں نہیں یہ سب سنا ہے نا حسیبہ یحسیبو سب تحسب جی سر ماشاء اللہ جی یحسب محسوب پھر سے سنائیں ایک دفعہ یحسب ماشاء اللہ کون سا باب ہے آگے کاروما اس کو ایسے لکھیں گے ہم ہاں جی سنائیں سنائیں میں نے کب کیا سنایا آگے ون نحیو لام ہی پڑھتے نحیو انہ صحیح پڑھ رہے ہیں بولے پھر رک گئے ٹھیک پڑھ رہے تھے کوئی غلطی نہیں کی کرم اور نہ ہی انہو لا ہاں تو ٹھیک پڑھ رہے تھے یکروم تکروم 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 سے بنائیں گے تکروم اکرم پیش ہے سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر تو حمزہ پہ بھی پیش آئے گا اکرم اور لا تک جی جی کون سے یہ وہ تو یہاں پر ہے کیونکہ یکروم تکروم تکروم وہ سارے جتنے ابھی تک کیے ہیں سب پہ زبر ہی تھی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے 6 باب پورے ہو گئے اب اس سے آپ کو الفاظ بنانے آئیں گے آگے چل کے کہ ڈکشنری کے اندر اگر یہ لکھا ہوا ہے نا مثلا ڈکشنری کے اندر آپ کے سامنے روٹ لیٹرز لکھے ہیں قاف تا لام
और बाब लिखा हुआ है कौन सा, नून, नून का मतलब नसरा यंसुरु। अब आपके जहन में पहले तो नून होना चाहिए, नसरा यंसुरु नसरन फाहुआ नासिरुन नुसीरा यंसुरु नसरन फाहुआ मंसूरुन अलमरु मिनहु उनसुर व नहयु अनहु ला तंसुर। इसी के वजन के ऊपर ले आया, नसरा यंसुरु कतला यक्तुलु कतलन फाहुआ कातिलुन कुतिला युक्तलु कतलन फाहुआ मक्तुलुन अलमरु मिनहु उक्तुल व नहयु अनहु ला तक्तुल, कत्ल ना करो, उक्तुल करो कत्ल, ला तक्तुल कत्ल ना करो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये छः अबवाब, क्या कहते हैं इनको, सुलासी मुजर्रद के छः अबवाब मुकम्मल हो गए, ठीक हो गया। अब छः अबवाब सुलासी मुजर्रद के हमने पढ़ लिए, यही बेस है सारी अरबी की। ये अगर आपको आ गए, सबसे मुश्किल चीज़ यही थी फेल की स्टडीज के अंदर, ये सबसे मुश्किल चीज़ यही थी। ये समझ में भी आ गई है अगर, और अब याद भी कर ली है, फिर आगे आपके लिए कोई मसला नहीं, अरबी फिर आपको आ गई है। एक जो टॉपिक हमारा रह गया अरबी के अंदर वो है, ये थे सुलासी मुजर्रद के छः अबवाब, आठ अबवाब और हैं, वो कहने को तो ज़्यादा हैं, आठ हैं, लेकिन वो इन सारों से छः के छः से ज़्यादा आसान है, वो आठ अबवाब कहलाते हैं सुलासी मजीदुल फीक है, ठीक है। समझ लें वैसे फ़र्क क्या है उनमें और इनके अंदर। ये तो छः सिंपली माजी मुजारे के कॉम्बिनेशन थे, वो भी कॉम्बिनेशन ही हैं, इनको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद के, ये नाम पता होना चाहिए आपको। कुछ सलासी नहीं कहना, सुलासी, सुलासी मुजर्रद के छः अबवाब हैं ये। मुजर्रद सुलासी तो होते तीन वाला, और मुजर्रद सिर्फ ओनली। इसका जो माजी होता है ना, माजी नासारा फाताहा ज़ाराबा, आप सिर्फ माजी के ऊपर गौर करें, नासारा कारुमा, माजी के अंदर वो हमने पढ़ा था कि अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ तीन रूट लेटर्स के साथ बनता है। माजी में आपको सिर्फ वही तीन रूट लेटर नज़र आ रहे हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं मुजर्रद। इसके मुकाबले में जो हमने पढ़ने हैं वो होते हैं सुलासी, तो क्या तीन रूट लेटर वाले सुलासी मजीदुन फीही, कुछ मजीद होगा, इजाफी होगा इनके अंदर माजी के अंदर। यहाँ माजी में सिर्फ तीन रूट लेटर हैं, वहां पर जो अगले बाब पढ़ेंगे इन तीन के अलावा भी कोई चीज होगी, ठीक हो गया। ये आसान क्यों है आठ, क्योंकि ये आठ सारे के सारे उर्दू में हम बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अब अगला काम यह कि आपने जो काम करना है अब कल की क्लास से पहले पहले, जो आपने सीख लिया है ये फेल कि छः अबवाब, ये पक्के होने चाहिए। पक्के होने से मुराद क्या है कि आपको छः के छः कट्ठे सुनाने आने चाहिए। कैसे, नासारा यंसुरु नसरन फवा नासिरुन नुसीरा यंसुरु नसरन फवा मंसूरुन अलमिरु मिनहु उनसुर व नहयानहु ला तंसुर, एक बाब हो गया। फतह यफ्ताहु फतहन फवा फातिहुन फूतिहा यफ्ताहु फतहन फवा मफ्तूहुन अलमिरु मिनहु इफ्ताह व नहयानहु ला तफ्ताह, दो बाब हो गए। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन ज़ुरिबा यज़रबु ज़रबन फ़हुवा मज़रूबुन अलमिरु मिनहु इज़रिब व नहयु अन्हु ला तज़रिब, तीन हो गए। चौथा, समिया यस्मा समअन फ़हुवा सामिउन सुमिया यस्मा समअन फ़हुवा मस्मूउन अलमिरु मिनहु इस्मा व नहयु अन्हु ला तस्मा, पाँच हो गए, नहीं चार हो गए। हसीबा यहसिबु हसबन फ़हुवा हासिबुन हसीबा युहसबु हसबन फ़हुवा महसूबुन अलमिरु मिनहु अहसिब व नहयु अन्हु ला तहसिब। करुमा यक्रुमु करमन फहुआ करीमुन अलमिरु मिनहु उक्रुम व नहयु अन्हु ला तक्रुम। करुमा वो शरीफ था, यक्रुमु शरीफ है, करीमुन शरीफ सखी, मुश्किल लफ्ज़ है तर्जुमा करने के लिए, ना हो ना बनो, उक्रुम बंदा बन शरीफ बन, हाँ ठीक है। तो ये अब याद होने चाहिए आपको इसी तरह से, ये आपसे मैं सुनने हैं फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है ना। आगे अब आसान आसान काम है सारा हमारा, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें अरबी की वो आपको बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दो हफ्ते के अंदर अंदर कुरान मजीद के ऊपर आ जाएं हम, फिर वही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।